नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं पिछली वीडियो में बता रहा था क्लास टेंथ मैथ में लाइनियर इक्वेशन के बारे में, पेयर ऑफ द लाइनियर इक्वेशन। तो उसी क्रम में दोस्तों आज जो है चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर जो आप सबने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों जो है एक्सरसाइज 3.1 जो है ख़त्म हो गया था। तो इसमें जो है ये रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, यानी कि रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, यानी कि ग्राफिकल मेथड ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर लाइनियर इक्वेशन। तो इसमें दोस्तों है, पिछले अनुच्छेद में आपने देखा कि एक रैखिक समीकरण युग्म को कैसे ग्राफीय रूप से दो रेखाओं में व्यक्त किया जाता है। आपने यह भी देखा है कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद कर सकती हैं या समांतर हो सकती हैं। प्रतिच्छेद मतलब उसको इंटरसेक्ट करती हैं या पैरेलल हो सकती हैं, समांतर हो सकती हैं, और या तो कॉन्साइड हो सकती हैं, संपाती हो सकती हैं। क्या हम उन्हें प्रत्येक स्थिति में हल कर सकते हैं, और यदि ऐसा है तो किस प्रकार? हम प्रयत्न करेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर ज्यामितीय दृष्टि से इस अनुच्छेद में देंगे। आइए हम पिछले उदाहरणों को एक बार देखते हैं कि जिसे उदाहरण एक में की स्थिति में ज्ञात कीजिए कि अकीला ने कितनी बार चरखी पर सवारी की और कितनी बार हुपला खेला। आकृति फिगर जो है 3.2 में आपने देखा था कि इस स्थिति को निरूपित करने वाले समीकरण ज्यामितीय रूप से बिंदु 4-2 पर प्रतिच्छेद करने वाली दो रेखाओं को निरूपित करते हैं। इसलिए बिंदु 4-2 जो दोनों समीकरणों x-2y = 0 और 3x+4y = 20 को निरूपित करने वाली रेखाओं पर स्थिति है, और केवल यही उभयनिष्ठ बिंदु है जो दोनों इक्वेशन में कॉमन है, दोनों समीकरणों में जो है कॉमन है। दोस्तों आइए हम बीजगणितीय रूप से, यानी अलजेब्रिकली रूप से सत्यापित करें कि x = 4y = 2 दिए हुए समीकरण का एक हल है। प्रत्येक समीकरण में x और y के मान रखते हैं, प्राप्त करते हैं कि x-2 × 2 = 0 और 3, 4 = 20। अतः हमने सत्यापित किया कि प्रत्येक x = 2 और x = 4 और y = 2 समीकरण का हल है, यानी कि वह उभयनिष्ठ, वह मतलब जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दोस्तों दोनों इक्वेशन का, वही जो है उसको उभयनिष्ठ बोला जाता है, और वही जो है एक कॉमन जो है दोनों लाइन में होता है दोस्तों, वही पॉइंट होता है। और जो वही पॉइंट होता है उन दोनों समीकरण को सेटिस्फाई करता है और वही उसका हल होता है। क्योंकि 4-2 दोनों रेखाओं का केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु है, इसलिए दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का एक और केवल एक हल है। तो इसी प्रकार से जो है दोनों चरों में जो है रैखिक समीकरण युग्म का एक और केवल एक ही हल होता है उसका। इस प्रकार अकेला ने चरखी पर 4 बार सवारी की और 2 बार हुपला खेला। उदाहरण 2 में देखते हैं कि उदाहरण 2 की स्थिति में क्या आप प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो आकृति फिगर 3.3 में इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से एक संपाती रेखा युग्म द्वारा दर्शाया गया है। समीकरण के हल इनकी सर्वनिष्ठ बिंदुओं कॉमन द्वारा प्राप्त होते हैं। क्या इन रेखाओं में कोई सर्वनिष्ठ बिंदु है? ग्राफ से हम देखते हैं कि इस रेखा का प्रत्येक बिंदु दोनों समीकरणों का एक हल है। अतः समीकरणों 2x + 3y = 9 और 4x + 6y = 18 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इसमें हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह एक समीकरण इतना 4x + 6y = 18 को 2 से भाग दे दे तो हमें 2x + 3y = 9 प्राप्त होता है, जो कि समीकरण फर्स्ट है। यानी समीकरण जो है दोनों समीकरण एक हैं, यानी कि कह सकते हैं कॉइंसाइड इक्वेशन है, लाइनियर इक्वेशन है, यानी एक दूसरे के ऊपर जो है संपाती है। तो उसका दोनों का जो भी पॉइंट होगा उसमें दोनों का सेटिस्फाई करेगा, एक ही इक्वेशन निकल रहा है।
अर्थात दोनों समीकरण तुल्य है। ग्राफ से हम देख सकते हैं कि रेखा पर कोई बिंदु प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य देता है। उदाहरण के लिए प्रत्येक पेंसिल तथा प्रत्येक रबड़ का मूल्य क्रमशः 3 रुपया 1 रुपया हो सकता है, अथवा प्रत्येक पेंसिल का मूल्य 375 रुपया तथा रबड़ का मूल्य 0.50 रुपया हो सकता है। इसलिए उदाहरण 3 की स्थिति में क्या रेल पटरियां किसी स्थान पर मिल सकती हैं? तो आकृति फिगर 3.4 में दी गई हुई स्थिति को ज्यामितीय रूप से यानी कि ज्योमेट्रिकली रूप से दोनों समांतर रेखाओं से निरूपित किया जा गया है, यानी कि दोनों जो है समांतर एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्योंकि रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती, अतः ये पटरियां एक दूसरे से नहीं मिल सकती। इसका अर्थ यह भी है कि इन समीकरण का कोई उभयनिष्ठ हल नहीं है। जब दोनों लाइन जो है एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो इसका कोई उभयनिष्ठ हल नहीं निकलेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, रैखिक समीकरण का असंगत इनकॉइंसिडेंट इन युग्म कहलाता है। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है, रैखिक समीकरणों का संगत कंसिस्टेंट युग्म कहलाता है। तुल्य रैखिक समीकरणों के एक युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इस युग्म को दो चरों के रैखिक समीकरणों का आश्रित युग्म कहते हैं। ध्यान दीजिए कि रैखिक समीकरणों का आश्रित युग्म सदैव संगत होता है। अब हम दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं के व्यवहार को तथा हल के अस्तित्व को निम्न प्रकार से सारांश के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। फर्स्ट है, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है रेखाएं जो हैं एक दूसरे को एक ही बिंदु पे जो है प्रतिच्छेद इंटरसेक्ट कर सकती हैं। इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है, यानी कि यहाँ पे जो है उस समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है, एक यूनिक हल होता है, यानी इसका कोई दूसरा हल नहीं होता, एक ही हल होता है। अविरोधी समीकरण युग्म, रेखाएं समांतर हो सकती हैं। तो दोस्तों रेखाएं जो है समांतर हो सकती हैं। इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता है, अतः असंगत समीकरण युग्म कहलाता है। रेखाएं संपाती हो सकती हैं, यानी कोइंसाइड हो सकती हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है चढ़ी हुई होती है, तो रेखाएं संपाती होती हैं। इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, आश्रित संगत समीकरण युग्म। अब हम उदाहरण 1, 2, 3 में बने रैखिक समीकरण युग्मों पर फिर से वापस आए और विचार करें कि युग्म ज्यामितीय रूप से किस प्रकार हैं। तो जो आपका पहला है दोस्तों, ये रेखाएं प्रच्छेद करती हैं, यानी पहला एग्जाम्पल में क्या है, रेखाएं दोनों जो है इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। दूसरे में रेखाएं संपाती हैं, यानी कोइंसाइड है। तीसरे में रेखाएं समांतर हैं, यानी पैरेलल है। तो अब आइए सभी तीनों उदाहरणों में जो है A1, A2, B1, B2 और C1, C2 के मान लिखें और इनकी तुलना करें। यहाँ A1, B1, C1 और A2, B2, C2 अनुच्छेद 3.2 में व्यापक रूप से दिए गए हैं। जैसे आपका ये रेखा है, रेखा युग्म है, यानी पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पे जो तुलना किया गया है आप देख सकते हैं A1 A2 का 1/3, 2/4, 1/2 आता है। B1 B2 का -2/4 आता है, 3/6 आता है, 2/4 आता है। C1 C2 का 0/-20, -9/-18, -4/-12, इस प्रकार से अनुपातों की तुलना आप कर सकते हैं। तो A1 और A2 नॉट इक्वल टू B1 B2। A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2 का मतलब क्या है, संपाती है। तो दोस्तों अगर जो आपका A1 A2 और B1 B2 दोनों रेखाएं जो है प्रच्छेद करती हैं तो केवल एक ही हल होता है उसका, यानी कि प्रच्छेद करती हुई रेखाएं जो है केवल एक हल होता है जो कि नॉट इक्वल टू है। आप ऐसा निकाल सकते हैं, यानी A1 A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1 B2। यदि दो इक्वेशन है तो उनके जो है कोफिशियंट है, गुणांकों का जो हम तुलना करेंगे दोस्तों, तो इस प्रकार से जो है हमें ये चीज मिलेगा। उसके बाद जो है संपाती कोइंसाइड करती है, तो कोइंसाइड की स्थिति में दोनों A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2, कोइंसाइड की स्थिति में जो है अपरिमित रूप से हल अनेक हल होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि दूसरे कंडीशन में जो है
ये जो संपाति हैं कोइंसाइड कर रही हैं एक दूसरे को, ये अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यानी कि इसके जो है इनफाइनेटली मैनी इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। तीसरा कंडीशन है दोस्तों, तीसरा कंडीशन में क्या होता है, रेखाएं समांतर होती है। तो आपको ध्यान देने की बात है, जब रेखाएं समांतर होती हैं तो यहाँ पे एक स्थिति ऐसी होती है कि A1 A2 बराबर B1 B2 तो इक्वल होता है, लेकिन नॉट इक्वल टू C1 C2 होता है, क्योंकि रेखाएं जो है उसी सेम डायरेक्शन में जाती हैं, एक ही डायरेक्शन में होती हैं और पैरेलल होती हैं, इसलिए जो है ये C1 C2 जो है ये बराबर नहीं होते हैं। यही अगर जो बराबर हो जाए तो वो कोइंसाइड हो जाएगा, संपाति हो जाएगा, अगर जो बराबर नहीं है C1 C2 तो ये रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं और कोई हल इसका नहीं होता है। तो यहाँ पे दोस्तों सारणी में जो आप देख चुके हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से निरूपित रेखाएं, ये रेखाएं हैं। अब यहाँ पे जो है प्रच्छेद करती हैं, तो यहाँ पे a1 a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1 b2 है, यदि इंटरसेक्ट करती हैं, प्रच्छेदित करती हैं, तो ऐसा होता है, यानी कि बराबर नहीं हो सकते हैं। संपाति की स्थिति में, कोइंसाइड की स्थिति में A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2 है, समांतर की स्थिति में, पैरेलल की स्थिति में A1 A2 बराबर B1 B2 और नॉट इक्वल टू C1 C2, पैरेलल में C1 C2 बराबर नहीं होता है। तो इसमें वास्तव में इसका विलोम भी किसी भी रेखा में के लिए सत्य है, यानी कि इसका इनवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो वो भी सत्य है, यानी कि यहाँ पे A2 A1 बराबर B2 B1 इस प्रकार से भी हम दोस्तों लिख सकते हैं। तो जैसे ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म, तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ द इक्वेशन एंड इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व द देम ग्राफिकली। तो दोस्तों आप देख सकते हैं x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12, ये इक्वेशन दोस्तों फर्स्ट है, यानी इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है एंड इज कंसिस्टेंट इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। तो यहाँ पे आप मान लेते हैं इसमें सॉल्यूशन है, लेट अस ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट ऑफ टू, फॉर दिस वी फाइंड द टू सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द इक्वेशन विच आर द गिवन इन टेबल, इतना। यानी कि दोस्तों ये इसमें जो दोनों इक्वेशन में दिया हुआ है, दोनों इक्वेशन में दिया हुआ है कि x बराबर जो है और y बराबर इतना है, यानी कि इसका जो है हम दो पॉइंट निकाल लिए, 0 2 और 6 और 0, और दूसरे में दोस्तों है 0 -4 और 3 -2 है इसमें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पॉइंट प्लॉट द पॉइंट a02 और b6, यानी कि a0 और b6 जो है यहाँ पे है, इसको हम प्लॉट करते हैं, यानी कि एक पॉइंट यहाँ ले देते हैं a02 है, यानी ये पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे 02 है, ये पॉइंट जो है आपका 02 है, यहाँ पे y बराबर जो है आपका x बराबर 0 है, y बराबर 2 है दोस्तों। उसके बाद जो है यही जो है आपका लाइन है x प्लस 3y बराबर 6 और b पॉइंट जो है आप देख सकते हैं x एक्सिस पे x बराबर 6 है और जो है ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है किसको, x एक्सिस को, यानी कि किस पॉइंट पे 6 और 0 पॉइंट पे जो है इसको इंटरसेक्ट कर रही है। और दूसरा जो पॉइंट है 0 -4 दोस्तों, दूसरा पॉइंट है ये आपका है 0 -4 है, यानी 0 -4 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं x बराबर 0 है और y बराबर जो है निगेटिव डायरेक्शन में है। उसके बाद जो है ये कहाँ जो 3 और -2, यानी एक पॉइंट जो हमारा मिल रहा है 3 और -2, ये पॉइंट दोस्तों हमको यहाँ पे मिल रहा है, ये पॉइंट मिल रहा है दोस्तों, यानी ये पॉइंट जो है हमको मिल रहा है 3 -2 जो है पॉइंट मिल रहे हैं हमको। तो इसको जो है हम इसको बढ़ाते हैं आगे, उसके बाद जब हम आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं ये दोनों पॉइंट जो है जा करके ये उसी जगह पे जो है इंटरसेक्ट करता है, यानी कि कहाँ पे 6 और 0 पे जा करके इंटरसेक्ट करता है। तो ऑन द ग्राफ पेपर एंड ज्वाइन द पॉइंट ऑफ द फॉर्म, यानी इसको पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं यहाँ पे, पी और क्यू को जो है आगे बढ़ा देते हैं, तो बी पे जा करके वो इंटरसेक्ट करता है। तो ए बी एंड पी क्यू शो द इन द फिगर वी ऑब्जर्व दैट देयर इज ए पॉइंट b6, यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट आपका b6 है वो कॉमन है टू बोथ, यानी दोनों में जो है कॉमन है दोनों लाइन में। सो द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ द लाइनर इक्वेशन x बराबर 6 एंड y बराबर 0, तो ये जो है इस
यानी कि जो लाइनर इक्वेशन का पेयर है युग्म है इसका, तो यानी x बराबर 6 और y बराबर 0 पे जो है ये दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो द गिवन पेयर ऑफ द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अगर जो ये दूसरों एक दूसरे को इंटरसेक्ट जहां पर ये करती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है गिवन पेयर जो है इक्वेशन जो है ये कंसिस्टेंट है। उसके बाद जो है एग्जाम्पल 5 है दोस्तों, ये एग्जाम्पल जो है आपका 4 था और एग्जाम्पल जो है यहाँ पे 5 है, आप देख सकते हैं हिंदी में भी दिखाते हैं। तो दोस्तों वही चीज इसमें भी है, हिंदी में भी है सेम चीज, यानी कि समीकरण युग्म हल इतना है, समीकरण युग्म संगत है यानी कंसिस्टेंट है। तो उदाहरण 5 में है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म का हल नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ग्राफ द्वारा दिखाइए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यानी कि इसका जो है अद्वितीय हल है, युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसको हमें दिखाना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो देख सकते हैं यानी कि इंग्लिश में ग्राफिकली फाइंड द वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यानी हैज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं रखता है, यूनिक सॉल्यूशन आर इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो यही दिखाना है ग्राफिकली रूप से कि ये जो है पेयर ऑफ द इक्वेशन जो है ये सॉल्यूशन नहीं रखता, या यूनिक सॉल्यूशन रखता है या इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशन रखता है, यानी बहुत सारे हल हो सकते हैं इसके। तो दोस्तों 5x-8y+1=0 ये इक्वेशन जो है फर्स्ट है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है 3x-24/5y+3/5। तो इसमें दोस्तों जो है मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/5/3, अब इसमें जो इसलिए हम इसको कर रहे हैं इस इक्वेशन को, क्योंकि इसमें जो है हमको 5 को रिमूव करना है दोस्तों, इसमें जो है 5 को हमें रिमूव करना है। तो अब इस इक्वेशन में 5 को रिमूव करने के लिए जो है हमको पता है कि किसी भी इक्वेशन में जो है हम किसी चीज़ का चाहे डिवाइड करेंगे चाहे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मान लीजिए आपका जो है ये 3x-24y+3/5 है बराबर 0 है। तो दोस्तों इसमें हम 5 को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है जो कि हमको इसको रिमूव करना है, तो 3/5 है तो 3/5 को हम उल्टा कर देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 यानी इक्वेशन 2 को जो है 5/3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 5/3×3x यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पे माइनस यहाँ पे दोस्तों 5 है, उसके बाद यहाँ 24/5 है तो यहाँ पे गुणा कर देंगे 5/3 का और इंटू वाई कर देंगे और यहाँ पे गुणा करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 3/5 और गुणे 5/3=0 हो जाएगा दोस्तों ये। तो इसको जो है ये हमारा सारे से निकल जाएगा, 3 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5x और माइनस देखिए ये 5 और कट जाएंगे और 3×8=24 यानी 8y हो जाएगा दोस्तों और यहाँ पे +1=0 ये जो हमारा इक्वेशन 3 बन जाएगा या 2 के स्थान पे, यानी कि इतना इक्वेशन हमारा यहाँ पे बन रहा है दोस्तों। तो बट दिस इज द सेम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि ये जो है आप देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट ही है दोस्तों, यानी कि इसको सॉल्व करने पर हम देख रहे हैं कि जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट बराबर इक्वेशन थर्ड, यानी कि आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड भी बराबर है, क्योंकि हमको सिंप्लीफाई करके जो है फर्स्ट के थर्ड सेकंड को थर्ड के रूप में बनाए हैं। तो आप जो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सेम है, यानी हम कह सकते हैं कोइंसाइड कर रहा है ये, यानी कि ये इक्वेशन जो है क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है एक दूसरे के ऊपर दोस्तों, ऐसे एक दूसरे के ऊपर जो है ये कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं इस रूम में जो है हमारा लाइन जो है बन रहा है। तो इसमें जो है
जो लिखा हुआ है, बट दिस इज द सेम, यानी कि ये सेम है, हेंस द लाइन रिप्रेजेंट बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड टू आर द कोइंसाइड, यानी कि दोनों जो है संपाती हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड टू हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पे जो है अनंत हल इसके हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि मैनी बहुत सारे हल इसके हो सकते हैं, इनफाइनाइटली हल हो सकते हैं। प्लॉट फ्यू पॉइंट ऑन द ग्राफ, वेरीफाई योर सेल्फ। तो दोस्तों इसमें कोई ग्राफ को वेरीफाई करने के लिए कोई चीज है नहीं, क्योंकि एक ही इक्वेशन है आपका, तो ये जो निकल सकता है, ये अगर जो नहीं होगा तो दोस्तों मान लीजिए हमको यहाँ पे जो है आपका इक्वेशन है ये 5x है माइनस 8y है प्लस 1 बराबर 0 है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है अगर जो हम क्या कर दें, अगर जो यहाँ पे हम y बराबर 0 लिख दें, यानी कि y बराबर दोस्तों 0 कर दें, तो हमारा 5x बराबर माइनस 1 हो जाएगा, या कह सकते हैं x बराबर जो है हमारा माइनस 1 बाई 5 हो जाएगा। और अगर जो यहाँ पे जो है हम x 0 कर दें, तो हमारा हो जाएगा y बराबर 1/8, और यहाँ पे जो है x और x 0 है यहाँ पे, और इस कंडीशन में दोस्तों y बराबर 0 है, तो दो पॉइंट हमको मिल गए हैं। तो दो पॉइंट अगर जो हमको मिल गया है दोस्तों, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर जो हम एक्सिस को इसको हमको सेट करना है दोस्तों, अगर जो हमको एक्सिस पे सेट करना है, तो हमको जो है एक्सिस को जो है डिसाइड करना पड़ेगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो अगर जो हमारा वाई बराबर 0 है और एक्स बराबर माइनस 1/5 है दोस्तों, तो मान लीजिए हमारा वाई बराबर 0 है और एक्स बराबर जो है मान लेते हैं हमारा कोई पॉइंट यहाँ पे है जो है सॉरी पॉइंट हमारा यहाँ पे है, यानी कि माइनस 1/5 है, उसके बाद ये हमारा पॉइंट जो है कह सकते हैं इतना और 0 है ये, उसके बाद जो है सेकंड पॉइंट है एक्स बराबर 0 पे वाई बराबर माइनस 1/8, यहाँ पे जो है 1/8 हम कह सकते हैं, तो यानी कि हमारा ये पॉइंट है, इसको कह सकते हैं कि 0 और 1/8 दोस्तों कह सकते हैं, यानी कि हमारा जो लाइन जा रहा है दोस्तों इस प्रकार से हमारा लाइन जाएगा यहाँ पे, यानी कि कह सकते हैं हमारा यही लाइन जो होगा इस प्रकार से होगा। तो दोस्तों एग्जाम्पल 6 है, तो चलिए उसको थोड़ा सा हिंदी में पढ़ते हैं एग्जाम्पल 6 को। चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदती है। चंपा एक सेल में कोई सेल लगा हुआ है, वहां पे सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदती है। जब उसकी सहेलियों ने कुछ पूछा कि प्रत्येक में कितने नग खरीदे हैं, तो उसने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है, यानी कि स्कर्ट की जो संख्या है स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। तो दोस्तों यानी कि जो स्कर्ट की संख्या जो है हमारा कुछ भी जो स्कर्ट की संख्या है की संख्या खरीदी गई पैंटों यानी पैंट की भी कोई संख्या होगी, तो खरीदी गई पैंट की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है दोस्तों, 2 गुनी से 2 कम है दोस्तों। यानी कि हम जो है यहाँ पे आते हैं सॉल्यूशन पे, ये हमारा है एग्जांपल 6। चंपा वेंट टू सेल टू परचेस सम पैंट्स एंड स्कर्ट। व्हेन हर फ्रेंड्स आस्क हर हाउ मेनी ऑफ ईच ऑफ सी हैड बॉट, सी answered, द नंबर ऑफ skirts इज टू लेस देन twice ऑफ द नंबर ऑफ पैंट परचेज। तो दोस्तों वही है क्वेश्चन, यानी कि कहने का मतलब है द नंबर ऑफ skirt इज टू लेस देन, यानी कि नंबर ऑफ skirt जो है इज टू लेस देन twice ऑफ द नंबर ऑफ पैंट परचेज। जितना पैंट जो है परचेज किया गया है उसके दुगने से जो है दुगने से 2 कम है। तो यहाँ पे जो है आपका जो इक्वेशन बन रहा है दोस्तों, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि लेट अस डिनोट द नंबर ऑफ द
पैंट्स बाई एक्स और स्कर्ट जो है वाई वाई से डिनोट करते हैं लोगों। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हम मान लेते हैं, मान लिया गया है कि मान लीजिए पैंट को जो है हम एक्स से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ पैंट्स, और नंबर ऑफ स्कर्ट जो है वाई से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि जो है इसमें क्या क्या बोला गया है कि जो है स्कर्ट की जो संख्या है वो पैंट की संख्या की दो गुनी से दो कम है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो मान लीजिए पैंट्स वाई वाई एक्स है और स्कर्ट जो है वाई है, तो हमारा जो स्कर्ट की संख्या है यानी कि वाई बराबर जो है, आप कह सकते हैं कि स्कर्ट की संख्या बराबर है यानी पैंट की संख्या क्या दो गुना है से दो गुने से दो कम है दोस्तों। यानी इक्वेशन फर्स्ट हो गया ये। उसके बाद जो है और भी देख लीजिए, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पॉइंटों की दुगुनी से कम है, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पॉइंटों की संख्या की, उसके बाद जो है स्कर्ट की संख्या यानी कि इसमें अब स्कर्ट की संख्या खरीदी गए पॉइंटों की संख्या चार गुनी से भी चार कम है। यानी कि चार गुनी से भी कम है। सहेलियों की जानने के लिए सहायता की चंपा ने कितनी पॉइंट और स्कर्ट खरीदे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरा इक्वेशन क्या बन रहा है, यानी कि वाई बराबर जो है फोर एक्स माइनस फोर, इस प्रकार से जो है बन रहा है आपका, दो इक्वेशन बन रहे हैं। अब दोस्तों जो है इसको हमको सॉल्व करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे जो है एक्स का निकाला गया पॉइंट जो है टू टू है और जीरो माइनस टू है, और इसको इसका जो है जीरो माइनस वन बाई फोर है और वन और जीरो है दोस्तों। तो इसको जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब दोस्तों इसको हमको ये देखना है कि एक्स और वाई का वैल्यू क्या है, यानी कि ये अगर जो वैल्यू तभी निकलेगा जब ये दोनों जो रेखाएं जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो लेट अस ड्रा द ग्राफ इक्वेशन फर्स्ट टू बाय द टू सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जो निकला हुआ है, अब आप देख सकते हैं दोस्तों पहला का जो है टू टू और जीरो माइनस टू, टू और टू जीरो माइनस टू, यानी कि ये आपका है एक लाइन ये है यानी ए से बी तक। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लाइन जो है आपका, ये लाइन जो है आपका ए यानी टू टू है, और उसके बाद जो है दूसरा बी लाइन जो है आपका जीरो माइनस टू है ये है, और सेकंड के लिए जीरो माइनस चार है यानी सेकंड के लिए जो है जीरो माइनस चार है और वन जीरो है दोस्तों, ये है, ये लाइन है। तो आप देख सकते हैं लाइन को जब हम आगे बढ़ाते हैं पॉइंट को, तो ये जो है लाइन जो है यहाँ पे जाके यहाँ तक जाता है और ये लाइन जो है यहाँ तक जाता है। अब ये इंटरसेक्ट जो कर रहे हैं दोस्तों, यही हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है दोस्तों, यानी ये जो है इंटरसेक्शन पॉइंट है। हम कह सकते हैं कि ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी ये एक दूसरे को जो है इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं, यानी इस पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये पॉइंट जो है आपका यही चीज जो है निकालना है इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे जो है प्लॉट द पॉइंट एंड सा द लाइन पासिंग थ्रू देम रिप्रेजेंट द इक्वेशन फिगर इतना द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट द पॉइंट वन जीरो। तो यहाँ पे दोस्तों जो है वन जीरो यानी एक्स बराबर वन और वाई बराबर जीरो पे जो है इज द रिक्वायर सॉल्यूशन ऑफ द पेयर लाइनर इक्वेशन, यानी कि इसका जो है रिक्वायर सॉल्यूशन है यानी कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट जहाँ पे कर रही हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट जो है आपका वन जीरो, यही इंटरसेक्शन पॉइंट है आपका, यानी कि यहाँ पे जो है एक्स बराबर वन है और वाई बराबर जो है जीरो है, ये पॉइंट जो है आपका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है दोस्तों, यही इंटरसेक्शन पॉइंट आपका है। यानी कि कह सकते हैं कि ये जो है एक्स बराबर वन और वाई बराबर जीरो पे जो है इंटरसेक्ट करती हैं, और इन दोनों का जो है सॉल्यूशन यही है। अब दोस्तों एक्सरसाइज 3.2 जो है इसमें है, आप देख सकते हैं कि फ्रॉम द पेयर ऑफ द लाइनर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसको ग्राफिकली जो है हमको फाइंड करना है। यानी कि फर्स्ट है 10 स्टूडेंट ऑफ द क्लास एक्स टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज, यानी कि 10 स्टूडेंट क्लास 10th के जो है टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज में कुछ पाए हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज।
यानी कि आप कह सकते हैं द 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स के जो है एक पार्ट में जो है भाग लिए हैं, इफ द नंबर ऑफ इसमें इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4, जो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज जो है 4 ज्यादा है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं दोस्तों कि तो यहाँ पे दोस्तों मान लेते हैं कि यक्स बी द नंबर ऑफ इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है हम मान लेते हैं बी द यक्स बी द नंबर ऑफ गर्ल्स गर्ल्स और वाई बी द नंबर ऑफ बॉयज वाई बी द नंबर ऑफ बॉयज। तो यहां पे दोस्तों है क्लास 10 में जो है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास जो है 10 स्टूडेंट टोटल हैं, यानी हम कह सकते हैं कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4, यानी ऐसा भी कह सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे जो है द नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, इसको अगर जो हम गर्ल्स को जो है वाई मान लेते हैं दोस्तों और इसको एक्स मान लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, यानी गर्ल्स को वाई मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो दिया है दोस्तों कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी नंबर ऑफ बॉयज जो यहाँ पर कह सकते हैं वाई बराबर जो है यानी नंबर ऑफ गर्ल्स है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि एक्स नंबर ऑफ बॉयज एक्स मान लिए हैं प्लस 4 है, ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट है दोस्तों इस प्रकार से। उसके बाद जो है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, और चूंकि हमको पता है यहाँ पे जो है एक्स प्लस वाई बराबर जो है बराबर 10 है, ये सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों। इसको जो है हमको ग्राफिकली सेट करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्राफिकली सेट करने के लिए जो है हम इसका पॉइंट निकाल लेते हैं। सबसे पहले जो है हम इसका पॉइंट निकाल लेते हैं, यदि एक्स बराबर 0 है, एक्स बराबर 0 पे जो है फर्स्ट जो है ये वाई बराबर जो है 4 आ रहा है, और अगर जो हमको इसको दोस्तों एक्स बराबर यहाँ पे जो वाई बराबर 0 करते हैं तो एक्स बराबर जो है माइनस 4 आएगा और वाई बराबर जो है 0 हो जाएगा। ये दोस्तों जो है फर्स्ट का जो है पॉइंट है। सेकंड का पॉइंट है अगर जो वाई बराबर 0 है तो एक्स बराबर 10 आ रहा है दोस्तों, एक्स बराबर 10 आ रहा है और वाई बराबर जो है 0 है, और अगर जो हम वाई बराबर जो है एक्स बराबर 0 ले लेते हैं यानी एक्स बराबर जो है 0 ले लेते हैं तो वाई बराबर जो हो वाई बराबर 10 आ रहा है, वाई बराबर 10 आ रहा है। ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट दोस्तों। अब इसको जो है हमें कोऑर्डिनेट पे जो है सेट करना है ग्राफिकली जो है। अब ग्राफिकली सेट करने के लिए हमको क्या करना है, इसको पॉइंट बनाना है इस प्रकार से। अब मान लीजिए आपका हम कह सकते हैं कि अब देखिए आप एक्स बराबर 0 है और वाई बराबर 4 है, यानी एक्स बराबर 0 है तो वाई बराबर 4 है। दोस्तों मान लीजिए हमको इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से बढ़ाना पड़े यहाँ पे, तो एक्स बराबर 0 है तो वाई बराबर जो है 4 है, 1, 2, 3, 4, यानी ये पॉइंट दोस्तों हम मान लेते हैं कि हमारा जो है 0 है और 4 है ये पॉइंट जो है इस पॉइंट पे मान लीजिए। उसके बाद जो है हमारा एक्स बराबर 4 है वाई बराबर 0 है, यानी कि इधर भी जो है वही सेम कंडीशन बन रहा है, यानी कि एक्स बराबर जो है -4 बन रहा है वाई बराबर 0 इतनी ही दूरी पे दोस्तों, यानी कि -4 और ये 0 बन रहा है दोस्तों ये पॉइंट। तो हमारा जो ये लाइन जो होगा दोस्तों ये यहाँ से होकर के जाएगा। उसके बाद जो है सेकंड कंडीशन बन रहा है, सेकंड कंडीशन बन रहा है दोस्तों एक्स बराबर 10 वाई बराबर 0,
यानी x बराबर 10 पे y बराबर 0 है। तो मान लेते हैं दोस्तों इसको और बढ़ा और आगे हम बढ़ाते हैं जब, तो मान लेते हैं कि हमारा ये पॉइंट दोस्तों ये 10 है, यानी कि यहाँ पे जो है ये पॉइंट जो है 10 और 0 पॉइंट बन रहा है हमारा। उसके बाद जो है एक है x बराबर 0 पे y बराबर 10 है, यानी कि अगर जो हम ऊपर जाते हैं दोस्तों यहाँ कहीं हमारा पॉइंट जो बन रहा है, यानी कि ये पॉइंट जो है हमारा इसको और बढ़ाते चले जाएंगे, तो x बराबर जो है 0 पे y बराबर 10 है, यानी 0 और ये हमारा 10 पॉइंट है दोस्तों। यानी कि इस पॉइंट को जो है अगर जो हम मिलाएंगे तो हमारा दोस्तों आप देख सकते हैं इसको पॉइंट को बनाने के लिए हमको जो है ये ऐसा हम सेट करेंगे कि हमारा जा करके जो है यहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों अगर जो इसको मिलाएंगे तो इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे दोस्तों इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये जो है हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये, यानी कि ये जो है हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट यही बनेगा दोस्तों ये पॉइंट। अब इस पॉइंट को जो है निकालने के लिए, इस पॉइंट को निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, ये जो है कौन सा पॉइंट होगा यही चीज हमको निकालना है ग्राफिकली, क्योंकि ग्राफिकली जो है हमको एकदम एग्जैक्ट जो है पॉइंट लेना पड़ेगा और उसको जो है पेंसिल और रबर की सहायता से जो है आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इससे जो है हम कुछ गेस करके पॉइंट निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि आपका वाई बराबर इतना है, एक्स प्लस चार है, तो यहाँ पे अगर जो हम एक्स प्लस चार रख देते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक्स प्लस चार रख देते हैं तो हो जाएगा 2x और 6 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 2x और 2x 4 हो जाएगा और उसके बाद घट जाएगा 6, x बराबर जो है 3 आ जाएगा, यानी कि x बराबर जो है 3 आ जाएगा। और अगर इसका वैल्यू जो हम रख देते हैं x बराबर 3 का, तो y बराबर जो है हमारा दोस्तों 7 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ऐसा पॉइंट जो होगा ये पॉइंट दोस्तों यहाँ पे, यानी कि कह सकते हैं 3 और 7 जो है ये इस पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट पे, यानी 3 और 7 जो है दोनों पॉइंट जो है एक दूसरे को कट कर रही हैं, यानी कि ये इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट को। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं 3 7 जो है रखेंगे दोनों को साथ सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी 3 7 10 हो रहा है, और अगर जो इसमें जो है हम 3 जोड़ लेते हैं 7, वाई बराबर 7 आ रहा है दोस्तों और वाई बराबर 7, यानी कि दोनों जो है 3 4 3 7 जो है ये जो है एक्स बराबर 3 वाई बराबर 7 जो है दोनों इक्वेशन को जो है सेटिस्फाई कर रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है अब क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है जो है, अब जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है बाकी क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।